ये भी क्या है, एक्सरसाइज 6.4 का ही है, क्लास 8th का ही है। क्या ये क्लास 8 का ही क्वेश्चन नंबर कौन सा, 9 है। ठीक है, पहली बात फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि जिन इस वीडियोस को समझ में ऐसा नहीं आएगा जब तक आप पीछे का वीडियो नहीं देख पाए, और जो पीछे का वीडियो नहीं देख पाए वीडियो को देखिए एंड तक, कॉन्सेप्ट को समझिए। कोई भी प्रॉब्लम्स हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मेरे या मेरे नंबर पे या मेरे व्हाट्सएप के कहीं भी आप मेरे को मैसेज करें, मैं आपको फ़ोन करूंगा, मैं आपको बताऊंगा समझाऊंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 9th में है क्या। देयर आर 500 चिल्ड्रेन इन अ स्कूल। ठीक है, 500 उसमें स्कूल में बच्चे हैं, कहाँ पे पीटी ड्रिल है, तो स्टैंड इन सच ए मैनर डैट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 500 बच्चे स्कूल में है, उसको क्या अरेंज करना है कहाँ पे, देखते हैं। पीटी होता है क्या होता है, इस तरह के बच्चे खड़े जाते हैं, इस तरह के बच्चे खड़े जाते हैं, तो इस तरह खड़े होते हैं, इधर भी खड़े होते हैं। मीन्स अगर मान लिया कि अगर 10 बच्चे ऐसे खड़े हैं तो इस तरह के भी 10-10 लाइन लगेंगे। मीन्स इक्वल रोज इक्वल कॉलम होना चाहिए। ठीक है, हाउ मेनी लेफ्ट, अगर मान लिए 500 बच्चे हैं तो अगर मान लिया कि रोज कॉमन कॉलम में आ गए तो कितने बच्चे बच जाएंगे, ये 500 में से कितने बच्चे बचेंगे। और तो कोई बात नहीं, या तो बचेंगे या घटे उससे मतलब नहीं है। पहले तो इसका हमें क्या करना है, जब भी यहाँ पे बात है ना नंबर ऑफ रोज इक्वल और करना कॉलम करना इक्वल करने के बराबर, पहले तो बात वो है कि 500 का आप क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है आपको। ठीक है, मैंने पेयरिंग किया है, बच गया 5, तो 2 2 जो क्या होता है 4 होता है, क्या होता है 2 2 4 होता है। ऐड करके मैंने ऐड करके यहाँ पे लिखा, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा, 1 बच गया। अब क्या करना है, यहाँ पे 2 लिखेंगे हम, क्योंकि 2 ही लग पाएगा ना, ये 44 हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 16 बच गया, 16 लेफ्ट हो गया। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि इसमें इस नंबर में हमें ऐड करना है, पूछ रहा है कितने लेफ्ट हो जाएंगे, कितने बच जाएंगे, तो यहाँ पे 16 क्या हो जाएंगे, लेफ्ट रहेंगे। कितना नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु लेफ्ट आउट फॉर दिस अरेंजमेंट क्या होगा, 16 हो जाएगा। आप लिख लीजिएगा आप लोग कि नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु लेफ्ट इन दिस अरेंजमेंट इज इक्वल टू 16। अब अगर मैं इसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल लूँ तो 500 में से चुटकी करना करिएगा बोला माइनस, तो ये 484 आएगा। कितना आएगा, 484 आएगा। अब फिर 484 के क्या करना है आप लोगों को, फिर क्या करना है, 484 का आप लोगों को स्क्वायर रूट निकाल लेना है, पेयर करके ऐसा करके 2 2 जब 4 हो जाता है, यहाँ 4 ये कैंसिल, यहाँ फिर 84 आएगा, यहाँ पर 2 लिखूंगा मैं, यहाँ 4 यहाँ पे 8, यहाँ 44 यहाँ पे 22। तो ये रहा कॉन्सेप्ट। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या फर्क था, पिछले क्वेश्चन में क्या था कि वहाँ पे हमें चाहिए था मोर, कितना और बच्चे हमें, कितना और हमें प्लांट्स चाहिए, तो इसमें क्या क्या था, मैंने इसमें इसमें हमें ऐड करना पड़ा था। यहाँ पे क्या, कितने बच्चे लेफ्ट हो जाएंगे, मीन्स हमें यहाँ पे क्या करना पड़ा, करना माइनस। बेसिकली इस लाइन को समझना आप लोग, नंबर ऑफ रोज और कॉलम अगर होगा इक्वल कहीं भी इसके तरह, तो आपको पहले तो स्क्वायर रूट निकालना है, फिर अगले लाइन में यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे लेफ्ट हो रहा है या मोर कर रहा है, क्या कर रहा है, तो उसके अनुसार आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।